यो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज फाइनली से मैं फिर से आ चुका हूँ और नए अपडेट के साथ। अगर आप माइनक्राफ्ट नए खेल के क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग खेलते हैं तो आपको पता होगा क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अंदर 1.17.14 का फाइनली अपडेट आ चुका है। तो गई यार, इस अपडेट के साथ काफ़ी ज़्यादा वाले ग्लिचेज और उसको भी सॉल्व कर दिया गया है। और काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि मैं आपकी एसएमपी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी एसएमपी में नहीं खेल पा रहा हूँ। तो गई यार, माइनक्राफ्ट का अपडेट आ चुका है, इसके लिए क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग की जो एसएमपी होती है उस एसएमपी के साथ ही माइनक्राफ्ट की जो एसएमपी होती है वो सेम एसएमपी है। तो गई यार, अब से आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि दोनों का वर्जन सेम हो चुका है और आप भी ज्वाइन कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो गाइस यार, ये वर्जन ना लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर से भी। आप अपने प्ले स्टोर पर चेक कर लीजिए क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग सर्च करके, वहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगा, आप वहाँ से अपडेट कर सकते हो। तो गाइस, फिर आप माइनक्राफ्ट की एसएमपी में भी खेल सकते हो 1.17.14 वाले। गाइस यार, इस अपडेट के साथ आपको वार्डन तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि अभी तक माइनक्राफ्ट के अंदर भी वार्डन ऐड नहीं हुआ है। जब माइनक्राफ्ट के अंदर वार्डन ऐड हो जाएगा तो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अगले अपडेट के साथ आपको भी वार्डन मिल जाएगा। तो गाइस यार, आपको कैसे भी करके वार्डन के साथ खेलना है तो भी जरा आप एडन का यूज कर सकते हो। एडन की मदद से आप वार्डन के साथ माइनक्राफ्ट या क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के अंदर खेल सकते हो क्योंकि अभी माइनक्राफ्ट का जो भी एडन है वो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के ऊपर भी वर्क करेगा क्योंकि इस दोनों का वर्जन एक जैसे हो चुके हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में खेल लो और काफी अच्छा लगेगा आपको भी खेलने में। माइनक्राफ्ट एसएमपी में अंदर भी आप खेल सकते हो, किसी भी एसएमपी जिसके अंदर न्यू अपडेट वर्जन किया हुआ है उसके अंदर आप खेल सकते हो। तो यार, आप जरूर खेलना इसके अंदर। तो यार, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।